भजन का लिखने वाला भजन 62 में कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। साम 62 का 8 कहता है, हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। सो प्रेज द लॉर्ड एंड गुड इवनिंग आप सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा और हमारे परिवार की तरफ से सलाम है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए और उन सारी आशीषों के लिए कि हम सब आज एक बार फिर से इस वर्शिप में शामिल हो पाए। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ होल्ड योर क्रॉस एंड फ्रॉम आवर फैमिली हु आर विद मी हियर ऑन जूम एंड हु आर वॉचिंग लाइव ऑन फेसबुक and those who will live after the live session. Thank you so much. As we are in the process to prepare a choir for God's worship, I'll request everyone, you can nominate yourself. Those who are on Facebook, can there leave comments in chat box. We will be in touch shortly. I'll also request each one of you that subscribe and follow our Facebook and YouTube channels for your further updates. Now, as we are going to enter in the month of Christmas. So I'll invite all the kids to nominate for play, which we will doing online 22nd December 21. So request you, please give your name on your give your name on our mobile numbers and on Facebook, you can write in the comment box. जैसा कि हम सभी को पता है कि हम एक से दो दिनों के में क्रिसमस के महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए मैं सभी बच्चों को आमंत्रित करूंगा कि वो एक ऑनलाइन क्रिसमस प्ले में हमारे साथ हों, जिसका हम लाइव टेलीकास्ट 22 दिसंबर 21 को करेंगे। तो आपसे अनुरोध है सभी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को नॉमिनेट कर सकते हैं, एंड बिलीव मी परमेश्वर के आशीष होने वाली है और ये क्रिसमस प्ले बहुत बहुत बहुतायत के साथ में हमारे लिए और आप सभी के परिवारों के लिए आशीष का कारण बनने वाला है। सो आज की वर्शिप में हम आगे बढ़ते हैं और वर्शिप का जो हमारा ऑर्डर ऑफ वर्शिप है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। सो आई विल शेयर द ऑर्डर ऑफ वर्शिप इन अ व्हाइल, जस्ट अ मोमेंट।
Yes. So, order of worship will go to the in the opening prayer. Then after praise and worship by Brother Joshan, he is from Kerala, and then after we'll go into the pray for the nations and all the healing prayer requests which we received during the week. इसके बाद में हम उस सेगमेंट में जाएंगे जहां पे हम अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए और सारी गवर्निंग बॉडीज के लिए दुआ करेंगे और उन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी हम दुआ मांगेंगे जो हमारे पास पूरे सप्ताह आती हैं। देन आफ्टर हम लोग परमेश्वर के जिंदा वचन में जाएंगे जिसमें हमारी अगुवाई रेवरेंड विवेक काशीनाथ जी करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में टाइम होगा टेस्टिमनीज का एंड देन क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। सो ऑर्डर ऑफ वर्शिप विल बी लाइक दिस। आई विल स्टॉप दिस एंड I'll request anyone. Minu Bhabhi is there. You just lead in the opening prayer, please. आइए दुआ मांगते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर कि ये समय आपने हमें दिया और ये जरिया बनाए मेरे खुदा कि हम आपके वचन, आपके गीत गाए मेरे खुदा, और आपके वचन से जो भी ज्ञान और जो भी शिक्षा हमें मिलती है एक हम अपने जीवन में एक अच्छे मसीह इंसान बन सके मेरे खुदा, अपने बच्चों को सिखा सके मेरे खुदा। जो जरिया आपने आशीष भैया और निलिशा और शालिनी भाभी की द्वारा से बनाया है, इनकी मिनिस्ट्री को अपने हाथों में रखिए मेरे खुदा और अपने आशीषों से भर दीजिए मेरे खुदा। जितने भी लोग ऑनलाइन है हमारे यहाँ, फेसबुक पे भी हैं, उन सब के ऊपर अपने आशीष और बरकतों का हाथ रखिए। अगर कोई बीमार है तो उसको चंगाई दीजिए मेरे खुदा, क्योंकि हमारा खुदा हमें चंगा करने वाला है और हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा खुदा है। इस मीटिंग को मेरे खुदा अपने हाथ में लीजिए, हर टेक्निकल प्रॉब्लम्स को अपने हाथ में लीजिए और हम इस मीटिंग से हर एक जन ब्लेसिंग्स लेके जाए मेरे खुदा, और आपकी प्रेजेंट हो मेरे खुदा, आपकी पवित्र आत्मा की प्रेजेंट हो मेरे खुदा। हम हर चीज, हर ख्वाहिश, हर दुआ आपके चरणों पे लेके आते हैं मेरे खुदा, हर फैमिली को आपके चरणों पे लेके आते हैं मेरे खुदा। सबको ब्लेसिंग्स दीजिए मेरे खुदा। रेवरेंट जो बोलेंगे मेरे खुदा, वो आप बोले मेरे खुदा, उनके मुँह से वो आपके वचन आए मेरे खुदा और सबकी जिंदगी बदल जाए मेरे खुदा। छोटी सी दुआ सुन, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। So thank you so much, sister. And now I'll invite Brother Joshan Thomas, and he is from Kerala, and he is also into the ministry and keep sharing word of God wherever he gets the opportunity. So it's a big blessings with him. So I'll request Brother Joshan, please unmute yourself and lead us in the praise and worship. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. How many of you happy today to worship in the presence of the Lord? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Let's close our eyes for some minutes and just worship our Father's name. Let's give thanks and glory to God Almighty for all His love and care and His safety for last 1 week. Praise the Lord. Hallelujah. Many people in this world has not seen this beautiful weekend. God has added one more day and also weekend in our life, because this is the time to worship and to praise and to glorify His holy name. He added one more day, one more evening in our life because He wants us to praise and glorify His holy name. Hallelujah. Hallelujah. Alleluia. 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 All together, please sing with the long beat. Alleluia. Jesus,
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus' name, hallelujah. Let's glorify his holy name. His name is only the only name who is still alive. The only name that we can worship. The only name that we can praise. Hallelujah. The only Father who died for us. The only God who died for us. He's the only one who rose from death. He's still alive. He's going to answer for all our praise that we have given. Let this coming week be a blessing. Let us give honor and glory to God, Father Almighty. Let us give worship to God Almighty. Let us, hallelujah, submit ourselves unto God. Let us confess our sin. Let us confess ourselves to God. Let us give our spirit to God. Let us give our full body to God. Let us worship his holy name. Hallelujah. Ribana Shivana. Let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I'm rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Hallelujah. Are you weak today? Give it to God. He will make us strong. Are you poor today? Give it to God. He's going to make us rich. Hallelujah. Are you blind? Praise God. Hallelujah. Have you confusions in your life? You have so many doubts. You have given so many questions to God. Hallelujah. Give it to God today. He's going to answer. Are you weak? Hallelujah. Give it to God. He's going to answer. He's going to make us strong. This coming week, this coming month, new month is going to be, hallelujah, the month that God is going to make us strong. Are you weak? Give it to God. Are you blind? Hallelujah. You have confusions in your life. You have tensions and stress in your life. Give it to God. Hallelujah. He's going to make us strong. Hallelujah. Let's join together and let's sing the song once again with our full trust and faith in God. Hallelujah. Let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Amen. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I am brave. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Amen. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Amen. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. How many of you are happy today? Praise God. Hallelujah. Give glory and thanks to God Almighty. Let's worship and praise his holy name once again.
तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी है सांस, तेरी स्तुति करती रहे हर दिन, मेरी हर बार तेरी महिमा गाती रहे हर पल मेरी है सांस, तेरी स्तुति करती रहे हर दिन, मेरी हर बार तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ, यीशुआ, Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua. Let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. With your full trust, with your full faith to Lord Jesus Christ, who died for you and raised from death on the third day. With full trust, let's say this song once again. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Aradhana, 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 aradhana. Glory to God. Amen. Aradhana, 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 amen, aradhana, 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 Yeshu, aradhana, Yeshu, aradhana, 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 aradhana. Thank you, Father Lord Jesus Christ, for being with us. We believe that you are going to answer all our praise. We were strong and we were weak. Now we are strong. We believe in that, Jesus Christ. We were blind with so many doubts and confusions in our life, but you have opened our eyes
Now we can see. We were, hallelujah. We were poor, but we are rich in Christ now. We believe in that. We believe that this coming week, in this coming month, it's going to be a blessing in our life. Thank you for being with us, oh God. Hallelujah. Thank you for everything that you have done. Hallelujah. As we believe, this is the day that the Lord has made, and we are glad in your name, oh God. We thank you and praise you for giving us an opportunity to praise and raise your holy name, because you are the only Father who can do great things in our life. Submitting each and everything in the mighty hand. Each and everyone who has, come for this Zoom meeting, oh God. Especially I pray for the preacher. Hallelujah. Let your word be with him, oh God. And it should be a blessing for us. Submitting each and everything in the mighty hand. In Jesus' name we pray. Thank you, Jesus. Amen. 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 And so much, Brother Joshan, for this blessed and wonderful praise and worship. And I'll let everybody know that I believe this was the first time you sung in India as well. So thank you so very much. Thank you. So ab ye wo samay hoga ki jab hum un prarthnaon mein, un duaon mein chalenge jinke request hamare paas mein during the week aati hain. I'll share the all those prayer requests. Over here, yes. So I believe आप इस prayer request को देख पा रहे होंगे and yes. So I'll pray for all these requests. First of all, I'll pray for our nation. Then after these are the some requests. So एक बार फिर से परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे और अपने दोनों हाथों को प्रभु यीशु नासरी स्वर्ग की ओर उठाते हैं. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर दैट यू हैव गिवन अस सच प्रेशियस टाइम. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद है कि इस वक्त ये कीमती समय आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर. कितने लोग दे प्रभु यीशु की जो शाम के जिससे महरूम रहते हैं परमेश्वर, वो शायद आज इस दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है परमेश्वर, लेकिन आपका जिंदा वचन इस वक्त हमारे मध्य में है परमेश्वर, और हम उस वचन के साथ में बैठे हैं परमेश्वर, और सब परिवार बैठे हैं परमेश्वर. ये पूरी कांग्रीगेशन हमारी एक फैमिली है परमेश्वर. जितने लोग इस वक्त फेसबुक पर लाइव हैं परमेश्वर, वो सभी हमारी कांग्रीगेशन है परमेश्वर, परिवार है परमेश्वर. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस आशीष समय के लिए प्रभु, कि आपने हर एक को चुना और यहां तक लेकर के आया परमेश्वर. होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी कि जिस तरीके से हमने प्रेजेंट वर्शिप इस वक्त करी है परमेश्वर, जहां जहां पे भी हम वीक थे प्रभु, आज ये प्रेयर मीटिंग खत्म होने से पहले पहले प्रभु हम वहां पे स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे परमेश्वर. हमारे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू प्रभु यीशु नासरी, आई हैव कंप्लीट फेथ दैट कि वो हमारे जीवनों में रिलीज हो चुके होंगे परमेश्वर. ऑल द सिकनेस प्रभु यीशु नासरी आपके नाम से जाती रहेंगी परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है. थैंक यू फादर दैट यू हैव गिवन अस द बर्डन प्रभु, कि हम इस वर्शिप को आगे ले जाकर के परमेश्वर आपकी महिमा और आपके राज के लिए उपयोग करने का परमेश्वर. थैंक यू फादर प्रभु. मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर अपने नेशन के लिए परमेश्वर, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए परमेश्वर, एंड ऑल द प्रेसिडेंट्स एंड ऑल द गवर्निंग बॉडीज परमेश्वर, जो इस कंट्री को चलाते हैं परमेश्वर. हम धन्यवादित हैं परमेश्वर कि हम उस देश में रहते हैं प्रभु, जहाँ पे हम स्वतंत्रता के साथ में प्रभु हम आपका नाम ले सकते हैं, आपकी वर्शिप कर सकते हैं. थैंक यू फादर. कितने जगहें हैं परमेश्वर जहाँ पे शायद लोग छुप करके आपका नाम ले रहे हैं परमेश्वर, उन सारी जगहों को प्रभु यीशु नासी आपके लहू के बाड़े में लेता हूँ परमेश्वर, कि आने वाले समय में आपका नाम स्वतंत्रता के साथ में लिया जा सके परमेश्वर, ना कि छुप करके परमेश्वर. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस आज़ादी के लिए परमेश्वर, और उन सारी गवर्निंग बॉडीज को परमेश्वर, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, कि आपने उनके मनों हृदय बुद्धियों को बदला है. आने वाले समय में परमेश्वर आप उनके मन हृदय बुद्धि को अपने कंट्रोल में लीजिएगा परमेश्वर, और वो प्रभु आप में होकर के आपके भय में चल के प्रभु जी आपकी बातों को मानने वाले हो सके. थैंक यू फादर कि आपने सुना और ग्रहण किया परमेश्वर. मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर टी एस सिंह के लिए प्रभु जी, जो इस वक्त चेस्ट इन्फेक्शन से पीड़ित है परमेश्वर और हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं प्रभु, आप उन्हें अपने लहू के बाड़े में लीजिए परमेश्वर, और स्वर्ग से अपनी चंगाई दीजिए परमेश्वर. इन्फेक्शन प्रभु जी छाती का इन्फेक्शन है प्रभु यीशु नासरी, आपके लहू में जाता रहे परमेश्वर, आपके नाम से जाता रहे परमेश्वर, और ये जितनी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है परमेश्वर, ये जिंदा गवाही प्रभु यीशु नासरी आपके भवन तक पहुंचने पाए प्रभु. धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि हमें पता है, और ये मेरा
पर्सनल विश्वास है परमेश्वर कि हमारे जीवन की सिकनेस, हमारे जीवन की कैप्टिविटी परमेश्वर, हर तरीके की परेशानी प्रभु जी वो महिमा का कारण होने वाली होती है परमेश्वर, कि आपने हमारे जीवन को चुना है परमेश्वर ताकि हम उस महिमा और उस गवाही के लिए अपने जीवन को दे सके। थैंक यू फादर प्रभु जी कि आपने चंगाई रिलीज करी है परमेश्वर। मैं दुआ करना चाहता हूँ परमेश्वर ईशा के लिए, उसकी कंप्लीट हीलिंग के लिए परमेश्वर, कि आने वाले समय में प्रभु जी जितनी तरीके की भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं प्रभु यीशु नासरी उसके जीवन में, आपके नाम से जाती रहे परमेश्वर, आपके नाम से जाती रहे। आई रिलीज द कंप्लीट हीलिंग फॉर दिस चाइल्ड परमेश्वर ईशा, कि वो आने वाले समय में परमेश्वर अपने जीवन को आपको दे करके प्रभु जी आपके पीछे चलने वाली हो सके। थैंक यू फादर कि आपने सुना है और ग्रहण किया परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं मिसेज एग्नेस पॉल आंटी के लिए प्रभु जी, जो कि मदर हैं रेवरेंड विवेक काशीनाथ जी की प्रभु जी, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है प्रभु यीशु। हमें पूरा विश्वास है परमेश्वर कि ये मस्तिष्क बनाने वाले आप हैं, इसकी हर एक कोशिकाओं को बनाने वाले आप हैं परमेश्वर, और इसके अंदर बहता हुआ वो लहू प्रभु यीशु नासरी आपका है परमेश्वर, क्योंकि आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। हम उसको माइन्यूट और माइक्रो लेवल पे देखते हैं परमेश्वर, लेकिन हमें पता है प्रभु कि आपकी एक दृष्टि, आपकी एक बूंद लहू की परमेश्वर हमारे जीवन की वो चंगाई देगी परमेश्वर। उस चंगाई को प्रभु यीशु नासरी में आंटी के लिए मांगता हूँ और रिलीज करता हूँ परमेश्वर उस स्वर्ग से प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा था कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो परमेश्वर। मैं उस वचन को क्लेम करता हूँ प्रभु आंटी के जिंदगी में, कि आने वाले समय में ये जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है परमेश्वर, आप इसको समझ के प्रभु जी जड़ से उखाड़ के फेंकने वाले हो सके। थैंक यू फादर कि आपने सुना है परमेश्वर, और ये मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में आपने वो चंगाई रिलीज कर दी है परमेश्वर, वो चंगाई रिलीज कर दी है परमेश्वर। थैंक यू डैडी कि आपने सुना और ग्रहण किया परमेश्वर। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। दुआ करता हूँ रवि फूल सिंह साहब के लिए परमेश्वर, कि उनके शोल्डर में जो भी पेन है प्रभु जी टॉप लेफ्ट में परमेश्वर होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी, ये शोल्डर का पेन, कंधे का दर्द परमेश्वर आपके नाम से जाता रहे परमेश्वर, और ये वो जिंदा गवाही परमेश्वर आपके भवन तक पहुंचने पाए परमेश्वर। आप उन्हें कंप्लीट हीलिंग दे परमेश्वर, और आने वाले समय में परमेश्वर आप अपने लहू का बाड़ा उनके ऊपर रखें परमेश्वर, ताकि ये चंगाई जो उन्होंने अपने जीवन में रिसीव करी है परमेश्वर, ये उन पर हमेशा तक ठहरी और बनी रहे प्रभु जी। थैंक यू फादर कि आपने सुना और ग्रहण किया परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी की हमारी बहन नीलम माइकल, जो परमेश्वर एक बच्चे के लिए प्रभु जी आशीषित होना चाहती हैं परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है जीवन का वृक्ष परमेश्वर आपके पास में है, जीवन का वो बीज देने वाले आप हैं परमेश्वर, और हमारा विश्वास है परमेश्वर कि हमारे इस बहन के जीवन में प्रभु यीशु नासरी वो गर्व का फल बहुत जल्द ही आने वाला है परमेश्वर, और ये हमारा विश्वास है प्रभु यीशु नासरी कि आने वाले समय में इस जूम मीटिंग में प्रभु यीशु ये गवाही इस बहन के जीवन से निकल करके आएगी। नाउ आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द बेबी परमेश्वर, और वो बच्चा प्रभु यीशु नासरी आपके पद चिन्हों पे चलने वाला होगा, आपको फॉलो करने वाला होगा। थैंक यू फादर कि इस परिवार के लिए, कि इसने आपको चुना है और आपके फेथ में है, आपके भय में है परमेश्वर। थैंक यू जीसस कि आपने सुना और ग्रहण किया परमेश्वर। सिस्टर संजू के लिए दुआ करता हूँ प्रभु यीशु नासरी की, पिछले हफ्ते मैं इस बहन से मिला था परमेश्वर, ये गर्भवती भी है प्रभु यीशु नासरी, ये वो प्रभु जी टेस्टिमनी का टाइम है इनके जीवन से परमेश्वर, कि आपने इनको अपनी आशीषों से भरा भी है परमेश्वर, और वो चंगाई भी प्रभु यीशु नासरी पवित्र आत्मा की सामर्थ में, जो ब्रेन ट्यूमर है परमेश्वर आपके नाम से जाता रहेगा, आपके लहू से साफ हो चुका होगा परमेश्वर, और आने वाले दिनों में प्रभु यीशु नासरी वो गवाही वो चंगाई परमेश्वर इस परिवार से प्रभु जी निकलने पाएगी, क्योंकि हम मिले हैं इस परिवार से परमेश्वर, और मेरे से पहले प्रभु यीशु नासरी आपने इस परिवार को चुना है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि ये पूरा परिवार आपके भय में खड़ा हुआ है परमेश्वर, और इनका वो अटूट विश्वास होने दीजिएगा परमेश्वर, पूरी कलीसिया के लिए, पूरे कांग्रीगेशन के लिए परमेश्वर इनकरेजमेंट का कारण बने परमेश्वर, कि कैसा हमारा जिंदा खुदा है जो किसी भी वक्त हमें नहीं छोड़ता है परमेश्वर, और वो चंगाइयां हमें देता है परमेश्वर, वो चंगाइयां हमें देता है, वो सारी चंगाई प्रभु मैं इस संजू सिस्टर के लिए मांगता हूं, आप रिलीज करें परमेश्वर, आप रिलीज करें। थैंक यू जीसस कि आपने सुना है, ग्रहण किया है फादर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर परमेश्वर। मैं अभिजीत के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, जो डिप्रेशन का शिकार है परमेश्वर, बढ़ती उम्र है परमेश्वर, हमें पता है परमेश्वर ये वो एक समय होता है जब परमेश्वर बच्चे अपने शरीर में परमेश्वर अपने दिमाग में बढ़ रहे होते हैं परमेश्वर, इस समाज की बहुत सारी चीजें
शक्तियां होती हैं प्रभु यीशु नासरी जो उन पर नजर बना के रखती हैं, लेकिन ये हमारा विश्वास है प्रभु यीशु नासरी अंधकार की हर एक शक्ति को परमेश्वर अभिजीत के जीवन से दूर खदेड़ते हैं परमेश्वर, घुड़कते हैं परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से। आई रिब्यूक ऑल द डार्कनेस इन द लाइफ ऑफ अभिजीत परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर कि आज जैसा कि इसकी माँ परेशान है अपने इस बच्चे के लिए, परमेश्वर होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी कि आपके नाम को पकड़ के आपके लहू को पकड़ करके परमेश्वर ये आपके भय में आपके फेथ में चलने वाला हो सके। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इसको चुना है परमेश्वर, और ये मेरा विश्वास है परमेश्वर कि जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ आती है परमेश्वर वो आपकी मर्जी से आती है और वो पूरी होने के लिए आती है। थैंक यू फादर कि आपने सुना ग्रहण किया परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सौरभ के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, वो नशे की आदत प्रभु यीशु नासरी आपके नाम से इसके जीवन से जाने पाए परमेश्वर। इसका पूरा परिवार प्रभु जी संगठित होकर के परमेश्वर अपने इस बच्चे की देखभाल करने वाला हो सके परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु कि आप इसके दिमाग को कंट्रोल करें, उस टेम्पटेशन को प्रभु यीशु नासरी आप अपने वचन की तरफ डाइवर्ट करें प्रभु यीशु, कि जिस वक्त इसको वो नशे की तलब होती है, टेम्पटेशन होता है परमेश्वर, एंजाइटी होती है प्रभु यीशु नासरी, आपकी एंजाइटी में तब्दील होने पाए परमेश्वर, ये आपके नाम को आपके लहू का नशा करने वाला हो सके परमेश्वर, आपके भय के नशे में हो परमेश्वर, आपके वचन के नशे में हो परमेश्वर, और आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके भवन में परमेश्वर आपकी गवाही लेकर के खड़ा हो कि यस मैंने प्रभु यीशु मसीह को चखा है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को चखा है। थैंक यू फादर कि आपने रिलीज किया है इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर अपने इस कॉर्नर स्टोन इंडिया फाउंडेशन के लिए, ये वो एनजीओ है प्रभु यीशु नासरी जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के बीच में काम कर रहा है परमेश्वर, जितने फाउंडर्स हैं प्रभु यीशु नासरी, जिन लोगों का ये विजन था प्रभु यीशु नासरी, आपने उनको अपने लहू के बाड़े में रखा है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस एनजीओ से जुड़े हर एक बच्चे को परमेश्वर, हर एक टीचर को, हर एक ट्रेनर को प्रभु यीशु आपके लहू के बाड़े में देते हैं परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर की आने वाले समय में इस भवन से, इस एनजीओ से, इस जगह से परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम का जलाल हो। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर परमेश्वर। ब्रदर स्टीव डैनियल के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर, जैसा कि वो वापस फतेहपुर से लखनऊ के लिए परमेश्वर ट्रांसफर देख रहे हैं, और उनका बेटा परमेश्वर बैप्टाइज होने जा रहा है परमेश्वर, आप उसे अपने लहू के बाड़े में ले, अपने वचन की सामर्थ्य दे परमेश्वर, और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका बैप्टिज्म प्रभु यीशु वो आपका फॉलोअर बन सके परमेश्वर, आपका फॉलोअर बन सके। धन्यवाद देते हैं इस पूरे परिवार के लिए प्रभु कि वो उस भय में है प्रभु कि आपका हाथ पकड़े हुए हैं परमेश्वर, आपके वचन को थामे हुए हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु इन सारी दुआओं के लिए परमेश्वर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर वेस्टलैंड मेथोडिस्ट चर्च के लिए, जहां से पास्टर्स ने प्रभु यीशु नासरी हमसे रिक्वेस्ट करी है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर इस चर्च बिल्डिंग के रिनोवेशन के लिए प्रभु जी वो देख रहे हैं। होने दीजिएगा प्रभु कि आप अपने स्वर्गीय भंडारों से उन फाइनेंसेस को ब्रेक थ्रू दीजिएगा परमेश्वर, कि आने वाले समय में प्रभु जी उस चर्च की प्रभु जी जितनी भी फिनेंशियल रिक्वायरमेंट है परमेश्वर आपके नाम से पूरी होने पाए परमेश्वर। अपनी इस होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी दुआ मांगता हूं परमेश्वर, आप अपने लहू के बाड़े में रखिएगा, अपने भय में रखिएगा, अपनी सामर्थ्य में रखिएगा परमेश्वर, क्योंकि हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है परमेश्वर कि हम आपके वचन को परमेश्वर हर उस जगह पहुंचा सके प्रभु यीशु नासरी, जहां तक हमारी सामर्थ्य और जहां तक आपने हमें ओबीडियंस है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, यू हैव लिसन एंड ग्रांट एवरी सिंगल प्रेयर ऑफ अवर्स। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर। आपका धन्यवाद है प्रभु कि आपने सुना और ग्रहण किया। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर प्रभु जी। आपके सब आप बढ़े प्रभु जी और हम घटे, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए आपके नाम से मांग लेता हूं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन और आमीन। सो एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो, और अब ये वो समय होगा कि जब हम परमेश्वर के उस जिंदा कलाम में चढ़ेंगे, और आज हमारे बीच में रेवरेंड विवेक काशीनाथ जी हैं, और विवेक काशीनाथ जी लखनऊ मेथोडिस्ट चर्च लालबाग से हैं, एंड वहां पे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। सो पूरा समय अब मैं भाई साहब आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप परमेश्वर के वचन में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच ब्रदर आशीष, एंड आई होप कि मेरी वॉइस आप तक क्लियरली पहुंच रही होगी। यस, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज की शाम मेरा सलाम। खुदावंत का धन्यवाद हो कि उसने ये अवसर दिया कि आज मैं प्रभु के
इस महान कार्य में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकूं, होल्ड योर क्रॉस के साथ मिलकर एक खुदा का कलाम बांट सकूं। परमेश्वर पिता की महिमा सब बातों में हो। समय को व्यर्थ ना गवाते हुए हम परमेश्वर के कलाम की ओर अपने रुख को करेंगे, और जैसा कि थीम भी है और वो है सैल्वेशन, उद्धार। और मैं चाहता हूं आप जो आज हमारे साथ इस मीटिंग का हिस्सा है, आप अपनी बाइबल्स को मेरे साथ मिलकर के निकालें, खोलें तीतुस की पत्री, द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2 वर्सेस बिगनिंग 11 टू 14। तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय उसके 11वें पद से और 14 पद तक। प्रभु के पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, आज के इस जीवित कलाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तुझसे विनती करते हैं कि हम में से प्रत्येक की सहायता कर, हर एक खुदावंद कान जो इस आवाज को सुनता है और ये कलाम प्रभु जिसके पास पहुंचता है, प्रभु तू उनके कानों को खोल दे, मनों को तैयार कर कि पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को तेरे वचन रूपी आईने में टटोलने वाले बन सके। हमारी सहायता कर और सब बातों में तेरा अनुग्रह हो, हर एक सुनने वाले को बरकत दे। ऐ खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे पवित्र लहू के बाड़े में अपने आप को लेता हूँ। खुदावंद, मैं नहीं लेकिन तेरा वचन तू ही अपने लोगों से कह, मुझे इस्तेमाल कर, शब्द दे और अपनी महिमा मेरे जीवन से स्वीकार कर। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन। आज की इस शाम खुदावंद का धन्यवाद हो कि हम उस महान योजना के विषय में बात करने जा रहे हैं जिसे हम और आप परमेश्वर की अनंत योजना के रूप में देखते हैं, अर्थात सैल्वेशन या उद्धार। अगर हम बात करते हैं उद्धार के विषय में, तो उद्धार या सैल्वेशन एक कोई छोटा विषय नहीं है। एक प्रश्न मैं हमेशा पूछता हूं, आज आप सब सुनने वालों से भी पूछूंगा, आपकी दृष्टि में या आपकी समझ में उद्धार क्या है? What is salvation? बहुत से लोग इस बात को कहते हैं, हमने उद्धार प्राप्त कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम चर्च से प्यार करते हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत से लोग आज भी उद्धार को नहीं समझते। What is the meaning of the salvation? What is salvation? आज की शाम हम परमेश्वर के पवित्र वचन से इस उद्धार को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में उद्धार क्या है। और अगर मैं बात करूं उद्धार के विषय में, तो उद्धार को समझने के लिए, छुटकारे को समझने के लिए, सबसे पहले हमें गुलामी को समझना होगा, स्लेवरी को समझना होगा। क्योंकि यदि आप गुलामी के विषय में नहीं जानते, यदि आपको उसका बोध नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, या आपको उसका अनुभव नहीं है, तो आप कभी भी छुटकारे की वैल्यू नहीं कर पाए। हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, लेकिन अब तो मैं सोचता हूँ बहुत आगे निकल आए, लेकिन जिन लोगों ने वो स्वतंत्रता का समय देखा होगा, जिस समय में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, या उस दौरान जब वो गुलाम था, अगर आप उन लोगों से उसकी वैल्यू पूछेंगे, तो उनकी नजर में उस स्वतंत्रता की वैल्यू कुछ और ही होगी। शायद हम और आप उसको इतना वैल्यू नहीं दे सकते, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वैल्यू वही जानेगा जिसने गुलामी को देखा है। ठीक उसी तरह बाइबल में हम देखते हैं मिस्र की गुलामी में, जब इसराइली उस गुलामी में तड़प रहे थे, कराह रहे थे, उनके ऊपर में काम का इतना बोझ लाद दिया गया था कि
कि उनसे वो उठाया नहीं जा रहा था, सहन नहीं हो रहा था, बड़ी तकलीफ उन्हें हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो उस गुलामी में ही अपने जीवन को बिता रहे थे, वो परमेश्वर को पुकार रहे थे और परमेश्वर कलाम कहता है उनकी आवाज को सुनकर उनके बीच में उतर आया और उनके लिए उसने छुटकारे का प्रबंध किया। हम और आप इस बात से भली भांति परिचित हैं, हम और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने उस महान जाति को बाहर निकाला, उस गुलामी से निकाला और उनको आशीषित देश में वो लेकर के गया। सो आज की इस शाम जबकि हम और आप जो अपने को हम मसीही कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं वी आर क्रिश्चियन, आज मेरे और आपके जीवन में इस उद्धार की क्या आवश्यकता है? Why we need salvation? आखिर मुझे उद्धार की क्या जरूरत है? I am a pastor. मैं एक पास्टर हूं, मुझे उद्धार की क्या जरूरत है? आप एक विश्वासी हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं, आपको उद्धार की क्या जरूरत है? लेकिन इन सब बातों के बावजूद आज यदि आप बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स को अगर आप अपने जीवन में लेकर के आते हैं, बाइबल की उन बातों को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखी, अगर हम उन्हें अपने जीवन में लेकर के आते हैं, हम जानने पाएंगे कि आज भी मुझे और आपको हर एक दिन परमेश्वर के दिए गए उस उद्धार की जरूरत है। We need salvation. This is the reason कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उद्धार का कारण बन गया। पहली बात जो आज की शाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो है जो बाइबल मुझे और आपको बताती है कि वी ऑल आर सिनर्स, हम सब पापी हैं, हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम मसीही हो, हम गैर मसीही हो, हम प्रभु के दास हो, हम किसी भी तरफ से क्यों ना अपने आप को गिनते हो, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको दोषी ठहराता है। वो कहता है कि हम सब पापी हैं। और अगर आप पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 23 और 24 पद, रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 23 और 24 पद, तो वहां पर प्रभु के कलाम में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 3:23-24, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यहां पर वो किसी कैटेगरी को नहीं दे रहा है, वो कह रहा है इसलिए कि सब ने पाप किया है, एवरीबॉडी इज सिनर, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज की शाम मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर की महिमा की बात करें, उसकी प्रेजेंस की बात करें, तो जब हम इस बात को देखते हैं कि हमारे जीवन में जब पाप होता है, जब हमारे जीवन में गंदगी होती है, हमारे जीवन में बुराइयां होती हैं, परमेश्वर स्वतः हमारे जीवन से दूर हो जाता है। हम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं क्योंकि हम अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता में नहीं लाना चाहते, और यही कारण है क्योंकि हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है। एक मनुष्य 3 रूप से पाप करता है, अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्मों के द्वारा, और ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको जांच पाना बड़ा मुश्किल है। कोई दूसरा आपकी जांच नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद अपने जीवन को जांच सकते हैं कि क्या आप अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा अपने जीवन में अपने प्रभु की उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते, यदि हम सिंफुल लाइफ नहीं जीते, तो भी हम परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी सिद्ध नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको अनुग्रह देता है और उस अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा देता है, यहां पर इसीलिए लिखा गया है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और हम उस तक अपनी पहुंच नहीं बना सकते। अगर 24वें पद को आप पढ़ते हैं, 23 और 24 पद, तो वहां लिखा है 24th verse में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। अजीजों, हम
जो पापी हैं परमेश्वर के उस महान अनुग्रह से वंचित ना हो जाएं, इसलिए उसने हमारे और आपके लिए एक रास्ता बनाया। हम और आप जो अपने पापों में प्रतिदिन मरते हैं, हम और आप जो हर दिन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, उसने मेरे और आपके लिए एक योजना बनाई। अगर आप पढ़ें पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 31वां वचन, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्सेस 31, वहां पर हम इस बात को देखने पाते हैं जहां संत पौलुस ने इन बातों को कहा कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, आई डाई एवरी डे। अगर आप लास्ट लाइन को पढ़ेंगे वहां संत पौलुस ने बहुत खूबसूरत शब्दों को लिखा है, और वाकई में यदि हम इन शब्दों को अपने जीवन में देखें, इन शब्दों को अपने जीवन में जांचें, तो हर एक दिन जब हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से दूर हटकर अपने जीवन को परमेश्वर से दूर पाप में व्यतीत करते हैं, बुराई में व्यतीत करते हैं, वी ऑल्सो डाई एवरी डे, हम भी पाप में मर जाते हैं। आदम और हवा ने क्या किया? अगर हम बिगिनिंग में जाएं, उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं, तो आदम और हवा को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, और वो आज्ञा थी कि तुम इस वृक्ष के फल को कभी ना खाना। उन्होंने उस फल को ना सिर्फ देखा, उसकी चाह करी, उसकी इच्छा करी, लेकिन उन्होंने उसे खाया, और शैतान ने बहुत श्योर होकर उनसे कहा था तुम नहीं मरोगे। शैतान शारीरिक रीति से बात कर रहा है, लेकिन खुदावन आत्मिक बात कर रहा था। आज हम और आप भी अपने जीवन में वचन को अपने शारीरिक रूप में हम ग्रहण करना चाहते हैं, शारीरिक रीति से हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने लाभ के लिए हम उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी आत्माओं की चिंता करते हुए हमारी आत्माओं को बचाना चाहता है। आज जरूरत है हम जो अपने जीवन में प्रतिदिन मरते हैं, आज आवश्यक है हम और आप जो सब पापी हैं अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करें, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है। वो यह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य अपने पापमय जीवन में या पापमय स्थिति में अपना समय बिताए। हो सकता है आज हम परमेश्वर के नियमों को तोड़कर, परमेश्वर के वचन को तोड़कर अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीने वाले व्यक्ति हैं। हम अपने जीवन को अपने ऐश, अपने आराम, अपनी मस्ती में बिताने वाले व्यक्ति हैं, अपने लाभ के लिए लोगों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको बड़े प्रेम के साथ इस बात को समझाता है, पूछता है, बताता है कि मुझे और आपको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। बिकॉज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को स्पष्टता से बताता है, एवरीबॉडी इज सिनर। व्हाई वी नीड सैल्वेशन? बिकॉज वी ऑल आर सिनर्स। हमें उद्धार की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज भी हम पापी हैं। दूसरी बात है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि वी ऑल आर सिनर्स, अगर हम बाइबल को मानते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, इस बात पर यकीन करते हैं कि वी ऑल आर सिनर्स, तो दूसरी बात जो आज की शाम खुदावंत का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, और वो है कि हम अपने पापों से बाहर आने में सक्षम नहीं है। वी आर नॉट एबल टू कम आउट फॉर आवर सिंस। वी आर नॉट एबल, हम सक्षम नहीं है कि हम अपने आप को अपनी पापमयी दशा से बाहर निकाल सके। और ये और भी खतरनाक स्थिति हो जाती है, क्योंकि जब हम इस बात को जानते हैं कि हम पापी हैं, हम पाप में फड़े हुए हैं, जैसे कि एक बीमार व्यक्ति जो अपनी बीमारी को जानता है लेकिन उसे ठीक नहीं कर सकता, वो निर्भर करता है कि कोई उसे चंगाई दे, परमेश्वर मुझे अच्छा कर दे, डॉक्टर मुझे दवाई दे दे ताकि मैं ठीक हो जाऊं, ठीक वैसे ही एक पापी की दशा है अगर वो अपनी स्थिति को समझ लेता है, दैट वी आर सिनर। ये भी मुझे और आपको बताता है खुदा का कलाम कि हम इस योग्य नहीं है, हम में से कोई सक्षम नहीं है कि उस पाप की स्थिति से हम बाहर निकल सकें। तो ऐसी स्थिति के लिए, जबकि हम सक्षम नहीं है कि हम अपने जीवन को उस पापमय स्थिति से बाहर निकाल पाए, खुदा का कलाम मुझे और आपको एक और वचन देता है, और वो मिलता है रोमियो की पुस्तक में, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6
verses 23. रोमियो की पुस्तक छठा अध्याय और उसका 23वां वचन अगर आप इसे पढ़ें तो यहां पर लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. जो पाप में है, जिसने पाप किया है, उसकी मजदूरी या उसका वेतन मृत्यु ही है. लेकिन आगे अगर आप देखें तो वहां पर एक सेपरेशन आता है, एक जगह जहां पर वो कहता है परंतु, बट, और उसके बाद वहां पर लिखता है परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है. प्रभु यीशु का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है. हालेलुया. खुदावंद यीशु मसीह में जीवन है. हम सक्षम नहीं है कि हम अपने आप को उस पाप की स्थिति से बाहर निकाल सकें, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए अनंत जीवन है. मेरे और आपके जीवन को उस पाप की स्थिति से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया. अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या आपका कंट्रोल मृत्यु पर है, क्या आप अपनी मृत्यु को काबू कर सकते हैं, तो मुझे जहां तक मैं अपनी समझ से जानता हूं कि किसी भी मनुष्य का कंट्रोल उसकी मृत्यु पर नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे दिन गिने हुए हैं. हमारे दिन काउंटेड है, पहले से ही परमेश्वर ने हमारे दिन निर्धारित कर रखे हैं. और कलाम इस बात को बताता है जब समय पूरा हो जाता है तो लिखा हुआ है जब पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, हर एक जिसने जन्म लिया है उसको इस संसार में, इस संसार को छोड़कर जाना है. लेकिन उस समय तक पहुंचने से पहले जो मेरे और आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, वो जरूरत है अपनी पापमय स्थिति से बाहर निकल कर आना. और उस पापमय स्थिति से जब तक हम बाहर नहीं निकलते अजीजों, जब तक हम अपने पापों को स्वीकार नहीं कर लेते अजीजों, जब तक हम परमेश्वर के आगे अपने जीवन को सरेंडर नहीं कर देते मेरे अजीज भाई और बहनों, हम अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते. इससे पहले हम तीसरी बात को सुने, एक पद में आपके साथ बांटना चाहता हूं, द बुक ऑफ इसाया चैप्टर 59 वर्सेस बिगिनिंग 1, 2 एंड 3. यशाया नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय और उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन लिखा हुआ है. यशाया चैप्टर 59 वर्सेस 1-3. सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं, कलाम कहता है कि उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं जो हम तक पहुंच ना सके, ना ही वो बहरा है कि वो मेरी और आपकी आवाज ना सुन सके. आगे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं. तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलती हैं. मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद मुझसे और आपसे कभी दूर नहीं होता, लेकिन मेरे और आपके जीवन के वो गंदे काम, मेरे और आपके जीवन के वो पाप, वो बुराइयां, वो तमाम चीजें जो मेरे और आपके जीवन को अपवित्र करती हैं, हमें परमेश्वर की उस महान उपस्थिति से, उसकी संगति से दूर कर देती है. कलाम इस बात को कहता है कि वो
ऐसा उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो हम तक पहुंच ना सके, ना ही वो बहरा हो गया है कि वो सुन ना सके। वो पहुंच भी सकता है, वो सुन भी सकता है, लेकिन नहीं पहुंच पाता और नहीं सुनता। उसकी वजह कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में पाई जाने वाली वो गंदगी है, वो पाप है, वो बुराइयां हैं जिन्हें हम अपने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध निरंतर करते रहते हैं। और आज की शाम खुदावंत का कलाम मुझे और आपको इस बात को स्मरण दिलाता है कि आज आवश्यकता है, हम विश्वासी हैं या हम गैर विश्वासी हैं, अपने जीवन में अपने पापों की उस स्थिति को जानकर अपने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को सरेंडर कर दें, अपने जीवन को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंप दें। कलाम कहता है तुम्हारे पाप चाहे किसी भी रंग के क्यों ना हो, हिम की नाई श्वेत कर दी जाए। दाऊद कहता है हे परमेश्वर जूफा से मुझे धोकर शुद्ध कर तो मैं हिम की नाई श्वेत बनूंगा। एक राजा उस महान परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मेरे जीवन को धोकर साफ कर दे, मेरे पापों को मुझसे दूर कर दे, मेरे जीवन की उन बुराइयों को दूर कर दे जो इस देह में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए मैंने तेरी पवित्रता के विरुद्ध की है। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज जरूरत है कि हम अपनी उस पापमय स्थिति पर दुखी हों, हम उस पर पछताएं, हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस पवित्र उपस्थिति को फिर से अपने जीवन में प्राप्त करें। आज हम बाइबल में उन तमाम महान लोगों को देखते हैं, तमाम लोगों को सुनते हैं, कितने लोग चंगे हुए, प्रार्थनाओं के द्वारा कितने मुर्दे जिलाए गए, किस प्रकार से परमेश्वर का अद्भुत काम होता है। आज वो सब काम हम क्यों नहीं देखने पा रहे, आज कलीसियाएं ठंडी क्यों होती चली जा रही है, आज विश्वासियों का जीवन क्यों बर्बाद होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं कारण है हम और आप अपने उस पापमय दशा को बदलने में सक्षम नहीं है। कौन उसे बदल सकता है? तीसरी बात है, दो बातों पर हमने विचार किया। सबसे पहले हमने देखा वी ऑल आर सिनर्स, हम सब पापी हैं। दूसरी बात जो हमने देखी वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ अवर सिंस, हम अपने पापों से बाहर आने में सक्षम नहीं है। तीसरी बात है कैसे हम आ सकते हैं, कौन हमें बचा सकता है? तो बचाने वाला है यीशु मसीह। जीसस इज द रिडीमर, यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धार करता है। यीशु मसीह ही है जो मुझे और आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने मुझसे आपसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपने स्वर्ग घर को छोड़ दिया, उस स्वर्ग सिंहासन को छोड़ दिया, उन तमाम फरिश्तों की उस तमाम सेना को जो उसके साथ रहती थी, उसकी सेवा करते थे, उसके आगे पीछे उसकी महिमा करते थे, उनको छोड़कर बैतलहम के उस गौशाले में जन्म लेता है मनुष्य रूप में। वो तो दिव्य परमेश्वर था। अगर आप इमेजिन करके देखें, अगर परमेश्वर जैसे सेकंड कमिंग में आने वाला है, अगर वैसे ही यीशु मसीह पहले आता तो क्या होता है? शायद आज हम और आप यहां नहीं होते। लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और हम मनुष्य हैं, इसलिए उसने मनुष्य रूप धारण किया, वो मेरे और आपकी तरह बन गया। वो अद्वैत परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने मुझे और आपको रचा, जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इस संसार का बनाने वाला, इस ब्रह्मांड का बनाने वाला, वो परमेश्वर, वो अद्वैत परमेश्वर आज मेरे और आपके बीच में उतर आया, शरीर में होकर उतर आया। और ना सिर्फ उतर के आया, लेकिन उसने मेरे और आपके पापों के लिए, जी हाँ, हमारे पापों के लिए उस प्रभु ने इतनी तकलीफों को सहा। वो शरीर में था, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसके मुंह पर थूका गया,
उसका मजाक उड़ाया गया, उसको अपशब्द कहे गए, उसके साथ भद्दा व्यवहार किया गया और यहां तक क्रूरता की गई कि उसको सलीब पर ठोक कर उसके प्राणों को ले लिया गया। कितनी तकलीफ उसमें सही, क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी, क्योंकि वो मुस्कुराहट से प्यार करता है। ये उसका प्यार है जो मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए इस संसार में आ गया। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, जैसा मैंने पहले कहा, जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उस फल को मत खाना और आदम हवा ने उस फल को खाकर उस आज्ञा को तोड़ दिया, पाप ने हमारे आपके जीवन में कदम रख दिया। हमारे आदि माता पिता जो पाप कर बैठे और उनके बाद उनकी आने वाली संतानें जो हम देखते हैं कैन और हाबिल के रूप में थी, वो पाप जेनेटिकली ट्रांसफर होना शुरू हो गया। वो पाप आदम और हवा ने किया था परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, और दूसरा पाप कैन और हाबिल ने किया जब कैन क्रुद्ध हुआ और अपने भाई को उसने घात किया, उसका मर्डर किया, और पाप बढ़ने लगा। और जैसे जैसे पाप बढ़ता चला गया, आज हम इस संसार में पाप को इतना विस्तृत पाते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी ऐसी बातें देखने और सुनने में आती हैं जो कभी हमने नहीं सोची होंगी। छोटे छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमें नहीं मालूम कि हम अपने घर तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, रास्ते में क्या स्थिति है नहीं मालूम, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तमाम प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, देश देश को नीचे झुकाने में लगा है, व्यक्तियों के मन से प्रेम ठंडा होता चला जा रहा है, क्रूरता की हद है। आज तमाम प्रकार से पाप अपनी चरम पर पहुंचता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कौन छुटकारा देगा? केवल और केवल यीशु मसीह। यूहन्ना की इंजील उसके 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे और आपके ही जीवन के लिए नहीं, हम जो विश्वास करने वाले हैं केवल उनके जीवन के लिए नहीं, लेकिन जो कोई इस संसार में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, जो कोई इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार कर सकता है, वही छुटकारा दे सकता है, हर एक वो व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसको छुटकारा देने के लिए उपलब्ध है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम उद्धार को बेच नहीं सकते, नहीं तो आज उद्धार के लिए लाइन लगानी पड़ती। हम उद्धार को खरीद नहीं सकते क्योंकि वो इतना महंगा होता कि शायद साधारण आदमी उसे खरीदने के लिए सोच भी नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर ने उद्धार को विश्वास करने वालों के लिए छोड़ दिया। जो विश्वास करेगा, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे वो बच्चा हो या वो बुढ़ा हो, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो, जो कोई विश्वास करेगा, किसी भी देश का क्यों ना हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला क्यों ना हो, किसी भी चमड़ी किसी भी रंग का क्यों ना हो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसके 3 और उसके 36वें पद को पढ़ें, तो वहां पर खुदावंद का कलाम बड़ी ही कठोर रीति से एक और बात भी बताता है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 और उसका 36वां पद, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3:36 लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। बहुत खूबसूरत है, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमारे पास अश्योरेंस है, हमारे पास इटर्नल लाइफ है। लेकिन लिखा हुआ है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आज संसार में
बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते तो हैं लेकिन उसे मानते नहीं। कलाम इस बात को कहता है, यदि आप उसे जानते हैं, यदि आप उसको पहचानते हैं और आप उसकी बात नहीं मानते, आप परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। चाहे हम विश्वासी हो या हम गैर विश्वासी हो, जो कोई यीशु मसीह को जानते हुए उसकी बातों पर अमल नहीं करता, जो कोई उस पर विश्वास करते हुए उस पर ईमान लाने के बाद उसकी बातों को नहीं मानता, परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लेकर के आता है। आज मेरे और आपके जीवन में हम क्या अनंत जीवन के भागीदार हैं या हम परमेश्वर के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हैं? मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय और 18वें पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अपने को डिक्लेयर करता है कि वो अधिकारी है, वो नियुक्त किया गया है, वो सारी पावर्स उसके पास है। क्या आज हम अपने प्रभु के पास जब आते हैं तो हम अपने आप को किस प्रकार से लेके आते हैं? क्या हम अपने आप को, यदि हमें किसी अपने बड़े लीडर से मिलने जाना हो या हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हो जो साधारण नहीं असाधारण है, तो हम किस रीति से उससे मिलने जाएंगे? हमारा प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर उद्धार करता है, जब हम उससे मिलने जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं? क्या हम अपने जीवन को तैयारी के साथ लेकर जाते हैं? क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर आत्मा है और चाहता है कि लोग जो उस पर विश्वास करते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। क्या वास्तव में हम अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा में सच्चाई के साथ लेकर के जाते हैं या हम सिर्फ औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या जरूरत है उद्धार की? अगर उद्धार की जरूरत ना होती तो आज यीशु मसीह मेरे और आपके उद्धार का कारण ना होता। वाकई में आज मेरे और आपके उद्धार के लिए वो कारण बन गया, क्योंकि वो जानता था हम सक्षम नहीं है, हम पापी हैं, हम सक्षम नहीं हैं, इसलिए वो उतर के आया ताकि वो मुझे और आपको मेरी और आपकी इस पापमय स्थिति से बाहर निकाल सके। अजीजों, अपने आप को यीशु मसीह के विश्वास योग्य हाथों में सुपुर्द कर दीजिए। आज की शाम खुदावंद हर एक सुनने वाले से ये कहता है, कहना चाहता है कि अपने आप को उस सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए और अनंत जीवन के भागीदार होने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने आप को सौंप दीजिए। खुदावन ने मुझे और आपको जो जीवन दिया है बहुत कीमती है, क्योंकि हम में से कोई भी बेमकसद नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है और हर एक को बनाने और उसको बुलाने और उसको चुनकर नियुक्त करने के पीछे उसका एक कारण है। अपने जीवन में परमेश्वर के उस कारण को पहचाने, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के हाथों में सौंपते, ताकि वो आपको अपनी महिमा के लिए अपने तरीके से इस्तेमाल करे, क्योंकि वो मेरे और आपके उद्धार का कारण बन गया। खुदावंद आपको आशीष दे कि हम अपने जीवन में वचन रूपी आईने में अपने आप को जांच सकें कि हमें उद्धार की आवश्यकता है या नहीं। क्या हम पापी हैं? क्या हम अपने पाप से बाहर निकलना चाहते हैं? यीशु मसीह ही उत्तर है। हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएं। हमारे प्रभु, हम धन्यवादित हैं इस जीवित वचन के लिए जो आपने हमसे कहा। आज की शाम हम प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम में से प्रत्येक जन, मैं और हमारी तमाम अजीज जो खुदावंद आज इस जूम पर और फेसबुक के द्वारा से लाइव इस मीटिंग का हिस्सा है, और वे लोग जो प्रभु आने वाले समयों में इसको देखेंगे और सुनेंगे, खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं
कि प्रभु हर एक मन आपकी ओर फेरा जाए और हर एक जो इस वचन को सुनता है खुदावंत उसके मन में काम कर, उनके पापों को आज के इस दिन में प्रभु उन पर प्रकट कर, ऐसा मन दे कि प्रभु हर एक जीवन तुझसे यह प्रार्थना कर सके कि ऐ खुदावंत मुझे मेरी पाप में स्थिति से बाहर निकाल। खुदावंत हम योग्य नहीं, हमें इतनी ताकत नहीं है, ऐ खुदावंत तू हमारी मदद कर। मसीह यीशु जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उस लहू में होकर हमारे पापों को तू धो डाल। ऐ खुदावंत तू हमें शुद्ध कर, पाक और साफ कर और अपनी पवित्रता में, अपनी महिमा में, अपने राज्य में खुदावंत तू आने दे। तेरे हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं, हमारे जीवनों की तू हिफाजत कर और जो समय तूने इस पृथ्वी पर हमारे लिए ठहराया है, ऐ रहीम खुदावंत हम तुझसे दुआ करते हैं हर एक जीवन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला बने। धन्यवाद इस मंच के लिए, होल्ड योर क्रॉस के लिए, हमारे भाई आशीष, बहन एंजेलिका और तमाम उनके साथ के लोगों के लिए, टीम के लिए जिन्होंने प्रभु इस गंभीरता को समझा और इस मंच को तैयार किया कि तेरे दासों के द्वारा, तेरे लोगों के द्वारा अलग अलग रीति से तेरा वचन प्रचार किया जाए। तुन्हें आशीष दे, ब्लेस कर और भी अधिक इस्तेमाल होने दे कि तेरी महिमा हमारे नजीजों के जीवन से हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी दुआओं को सुना है और हमें ये आश्वासन दिया है कि जो कुछ हम आपके नाम से मांगते हैं उसे आप सुनकर पूरा करते हैं। इस विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, मुक्तिदाता आपके जीवित और पवित्र नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। Thank you so much, Brother Ashish, over to you. Thank you so much, Pai Sahab. इतने सुंदर वचन के लिए कि उद्धार है क्या और हमें कैसे मिल सकता है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और मुझे हमेशा वो वचन याद आता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जकई के घर में हैं और वो बोलते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, उसको जकई का केवल एक छोटा सा काम था कि उसको परमेश्वर की भूख थी और वो शॉर्ट हाइट होने के बावजूद भी उस पेड़ पे चढ़ गया था और परमेश्वर को खोज रहा था। तो हमें सीखने की जरूरत है। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे इस सुंदर वचन से और हम समझ सकें कि उद्धार हमारे लिए कितना जरूरी है और कितना कीमती है। तो मे गॉड ब्लेस यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय होगा जब हम महीने के आखिरी शनिवार में बैठे हुए हैं और मैं हर किसी को इनकरेज करूंगा इस पूरे महीने में जिन जिन लोगों की भी जिंदा गवाहियां हैं, टेस्टिमनीज हैं, आप परमेश्वर के भवन के लिए, उसके जलाल के लिए लेकर के आएं। क्योंकि ये मेरा विश्वास है, हम चंदा दे देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन जो हमारी गवाही होती है वो परमेश्वर को सबसे ज्यादा भाती है। हालेलुया। तो ये वो समय है, शुरुआत में ही करता हूँ। अभी लास्ट वीक की बात है, एक बहन है मोहाली में और वो प्रेग्नेंट हैं और डॉक्टर्स ने उनको बताया कि उनका बेबी बैग, जो वाटर बैग है, वो लीक करने लगा है और बेबी की लाइफ डेंजर है। एंड परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि अभी ट्यूसडे को वो गवाही उस बहन के जीवन से आई है कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ नॉर्मल हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बाकी ओवर टू यू। मुझे लगता है निलिशा ने रेज किया है हैंड। यस निलिशा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है। सबको जय मसीह की। मैं जीसस पापा को थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस महीने हर चीज से बचा के रखा। और मैं जीसस पापा का भी इसलिए भी थैंक यू कहती हूँ कि जिस दिन स्पोर्ट्स डे था उस दिन मुझे दो सिल्वर मेडल मिले, एक 200 मीटर रेस में बैडमिंटन में। तो मैं जीसस पापा के हर चीज के लिए थैंक यू कहती हूँ। Thank you so much, Nilisha. May God bless you. And yes, Shalini ji, you can unmute yourself.
वाकई में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद इस महीने के लिए कि हर तरीके की बीमारियों से परेशानियों से हम सबको बचा के रखा है, उसके लिए बहुत थैंक यू। और परमेश्वर का सच में धन्यवाद भी करते हैं कि हम लोग लखनऊ जा पाए, एक साल के बाद अपने पेरेंट्स से मुलाकात हो पाई, क्योंकि पिछला साल काफी टफ था बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस और पेरेंट्स भी ओल्ड हैं। सो हम लोग को भी एक रिस्क था कि दिल्ली से जाएंगे कहीं उनके लिए डेंजरस ना हो। सो प्रभु ने वो इंतजाम किया, हम उनसे मिल पाए, हम सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च गए, विवेक पास्टर से भी मिले। सो इट वाज अ वेरी ब्लेस्ड टाइम। सो आई रियली वांट टू प्रेज गॉड फॉर दिस। थैंक यू। थैंक यू सो मच शालिनी जी फॉर दिस वंडरफुल टेस्टिमनी। एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट ब्रदर जोशन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। थैंक गॉड ऑलमाइटी फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल अनॉइंटेड मीटिंग। Thank you, Pastor, for the blessed, anointed message that you have shared. And it will be strengthening me and also my family and entire family for this coming week and also for this month. And also, I thank Shannon Sister for giving me an opportunity to sing song. After a long break, I sang my sang English and also Hindi. I was just trying it for after a long time because I used to sing when I used to visit North India, especially in my theology studies. When I used to study, when I was studying in Dehradun. After a long 15 years, I got an opportunity to sing and thank Sanskrit and also Ash Bhaiya for giving me an opportunity to be a part of this family. Of course, this is all our family, one in Christ. So may God bless you all, and also may God bless more and more mightily because this word of God will be a strengthening for each one of us. May God bless you all. Praise God. Thank you so much, Brother Joshan. Yes, and this is a blessed reason that you every time we get together and did worship for the God. Thank you so much, Brother. And now I'll request, yes, Minu Vavi, you can unmute yourself, please. Sabko Jai Masih Ki. Jai Masih. Main apni testimony ye dena chahti hu ki hum log October aur November mein do wedding mein gaye the. और खुदा से दुआ करके गए थे क्योंकि आपको पता है कोरोना चल रहा है और थर्ड वेव्स का बार बार न्यूज में आ रहा है कि आ रहे हैं और स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर थर्ड वेव का बता रहे हैं। तो हम लोगों ने खुदा से दुआ करा और उनको अपने हर चीज हमने उनके चरणों पे डाला। मैंने खुदा आप लेके जा रहे हैं, सही से लेके जाइएगा और जितने भी लोग आए हैं वो खुशी खुशी अटेंड कर सके और अपने घर पे सही से पहुंच सके। और खुदा ने हमारी सुनी, खूब लोग आए थे, सबने इंजॉय किया। सालों साल में लोग आके अपने भाई बहनों से मिले, इंजॉय किया और सबके सब सही सलामत अपने घर तक सही से पहुंचे। खुदा का धन्यवाद हो। खुदा हर कदम पे हमारे आगे आगे चलता है और हमें हर चीज से, हर मुसीबत से, हर दिक्कत से बचाता है। उसका लाख लाख धन्यवाद। जितना हम धन्यवाद कम करेंगे, मतलब जितना करते वो कम है, हम वर्ड्स में नहीं बोल सकते। और आप सबको भी बहुत बहुत आशीष मिले और भैया आशीष भैया को भी ये प्लेटफॉर्म भैया ने बनाया। और हमारा एक एक्साइटमेंट रहता है कि कब सैटरडे आएगा और हम कब प्रेयर अटेंड करेंगे। और खुदा आपको खूब बरकत दे भैया, होल्ड योर क्रॉस, जो आपकी मिनिस्ट्री है खुदा बढ़ाएगा और मेंबर्स बढ़ेंगे। और शालिनी भाभी को खूब आशीष मिले, निलिशा बेटी को बहुत आशीष मिले और आपके परिवार को और जितने भी परिवार जुड़ते जाते हैं उन सबको आशीष मिले। थैंक यू। थैंक यू सो मच मीनू भाभी फॉर सच अ वंडरफुल ब्लेस्ड वर्ड्स एंड टेस्टिमनी। मे गॉड ब्लेस यू। एंड अब अगर कोई टेस्टिमनी नहीं है देन आई विल रिक्वेस्ट पाई साहब कि आप हमारी क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में अगुवाई करें प्लीज। आप म्यूट हैं। ओके। प्रार्थना में शामिल। शक्तिमान प्रभु हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन सुंदर गवाहियों के लिए, धन्यवाद दे हैं जीवित कलाम के लिए, सुंदर प्रेज एंड वर्शिप के लिए। तो आज की शाम प्रभु हम सब तेरे चरणों में बैठकर इस समय को एक साथ व्यतीत करने पाए।
ऐ रहीम खुदावंद, हम आपकी महिमा करते हैं प्यारे प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर इंतजाम के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हर एक जो इस मीटिंग में आज शामिल हुए हैं प्यारे प्रभु, उनके लिए हम तुझसे बड़ी आशीषों को मांगते हैं। खुदावंद, हर एक से बोल और बातचीत कर, उनके घर परिवार, परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर तेरी आशीष और तेरा अनुग्रह बना रहे। हम प्रभु खास तौर से भाई आशीष, उनकी पत्नी और उनके परिवार के तमाम सदस्यों को, उनके बच्चों को तेरे पास लाते हैं और उनके लिए विशेष रूप से तुझसे आशीष मांगते हैं। उनकी मिनिस्ट्रीज पर तेरी आशीष हो, उनके कामों पर तेरी बरकत हो, हर एक बात में हमारे जीवन तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। खुदावंद, तू हमारी अगुवाई कर कि हम अपने जीवन में सही निर्णय करके तेरी महिमा करने वाले बन सके। एक बार फिर से धन्यवाद आज की सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर समय के लिए जिसे हम तेरे चरणों में बिताने पाए। सारा आदर और महिमा तुझे मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच भाई साहब, एंड मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस। एंड जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक में हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत के साथ में आशीषित करे। खुश रहिए, आनंदित रहिए। मे गॉड ब्लेस यू।